सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि log k2 by k1 is equal to ea by 2.303 r into 1 by t1 minus 1 by 2t फॉर्म पर किया था, लेकिन ये हमने तब किया था जब मेरा रिएक्शन क्या हो, फॉरवर्ड रिएक्शन। हम ये मान के चलते कि मेरा रिएक्शन कैसा है, मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन का, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए सपोज करो अगर मेरा कोई रिएक्शन है a टेंड्स टू गिव kf by kb और ये मुझे b दे रहा है, क्या दे रहा है मुझे b दे रहा है, तो यहाँ पे आप ऑब्वियस बात है जब रिएक्शन अलग अलग है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी या आरएनएस इक्वेशन जो लिखना पड़ेगा, बेसिकली आरएनएस इक्वेशन जो होगा वो भी आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा फॉर आरएनएस इक्वेशन, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हो जाएगा के एफ बराबर हो जाएगा ए डॉट ई रेस टू माइनस ई ए एफ बाय आर टी, ठीक है। और आरएनएस इक्वेशन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हो जाएगा के बी इज इक्वल टू ए एफ, ये लिख दो, ये ए बी लिख दो डॉट माइनस ई ए बी बाय आर टी, ठीक है। ये मेरा दो इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, ये मेरा दो इक्वेशन बनेगा। अगर मैं ऐसे बात करूं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। लेट्स से मैंने क्या क्या डिवाइड किया, तो मुझे पता है के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होता है, के एफ बाय के बी होता है, तो के एफ का इक्वेशन क्या है, ए एफ डॉट माइनस ई ए एफ बाय आर टी डिवाइडेड बाय ए बी डॉट माइनस ई ए बी बाय आर टी, ठीक है। तो के, तो अगर के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा, इसको ए इक्विलिब्रियम मान लो, ए इक्विलिब्रियम डॉट ई रेस टू वन बाय आर टी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, वन बाय आर टी कॉमन ले लोगे तो ई ए ऑफ माइनस वन बाय आर टी कॉमन ले लो, तो ई ए ऑफ फॉरवर्ड माइनस ऑफ ई ऑफ बैकवर्ड, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस ई एफ प्लस ई ए बी था, तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ई एफ फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। अब यही फॉर्मूला किसके बराबर होता है, डेल्टा एच बराबर होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, तो के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डॉट माइनस ई डेल्टा एच बाय आर टी। तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी जनरेट कर सकते हैं, इसे मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log k इक्विलिब्रियम 1 by k इक्विलिब्रियम 2 is equal to हो जाएगा delta h by 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2। आई बात समझ में, हाँ या ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 5 into 10 का पावर 2 while at 127 degree Celsius it is 5 into 10 का पावर 4 calculate activation energy of reaction, ठीक है। activation energy बोला reaction का निकालने के लिए, तो ठीक है, rate constant 27 degree Celsius पे इतना है, K1 और T2 पे temperature पे K2 इतना दिया हुआ है, तो formula तो अभी मेरा क्या लगेगा, same K2 by K1 direct put कर रहा हूँ, 5 into 10 का पावर 2 is equal to EA by 2.303 R 1 by 300 minus 1 by 400। तो क्या अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं हो गया, क्या मैं डायरेक्ट यहाँ से ई ए नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता। आप जब इसको सॉल्व करोगे, प्लीज इसको सॉल्व करके आप मुझे भेजोगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 2760 कैलोरी। तो आर की वैल्यू आप 2 ही पुट करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, rate constant of a reaction increases by
5% increases by 5% when temperature increases from temperature increases from 300 to 310 Kelvin while equilibrium constant increases from while equilibrium constant increases from Nitin, अरे मार्कर 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 इंक भरने दिया था मैंने उनको. While equilibrium constant increases by 2% for the same temperature change. Calculate Ea and delta H for the forward and backward. मतलब डेल्टा एच तो रिएक्शन का निकालना है और ईए फॉरवर्ड ईए बैकवर्ड निकालना है, तो बस कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्वेश्चन आसान सा ही है. ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, लेट फॉर्मूला तो अभी भी मेरा क्या लगेगा, लॉग के टू बाय के वन इज इक्वल टू डेल्टा ईए बाय 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2. कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ पे क्या बोला, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5%. तो इनिशियल 100 मान लो, K1 100 मान लो, K2 क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा 105. तो यहां से मेरा ये ऑफ फॉरवर्ड निकलेगा. मैं हमेशा बोला जब तक कुछ ना दिया जाए तो हमेशा हम क्या मानते हैं, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन का मानते हैं. तो यहां से मैं ऐसा करूं, लॉग 100 बाय 105, ठीक है, क्या हो जाएगा ईए ऑफ फॉरवर्ड बाय 2.303 इनटू 2 1/300 - 1/310. तो यहां से आप पहले क्या कैलकुलेट करोगे, ई ऑफ फॉरवर्ड निकालोगे. दूसरा बात उसने क्या बोला, उसी टेम्परेचर चेंज के लिए, मतलब सेम टेम्परेचर चेंज के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है 2% से. तो अगेन अब यहां पे फॉर्मूला हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बराबर हो जाएगा 102/100 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच बाय 2.303 इंटू 2 1/300 - 1/310. तो यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच निकालेंगे. अब हम कैसे, इस दोनों इक्वेशन से दो चीज आ गई, मुझे पता है डेल्टा एच बराबर क्या होता है, ईए ऑफ फॉरवर्ड माइनस ईए ऑफ बैकवर्ड. तो यहां से हम क्या, इस दोनों इक्वेशन से ये दो वैल्यू निकालेंगे, फिर यहां पे पुट करके हम ईए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं. तो आई बात समझ में आपको, तो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे लेवल का है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना. ठीक है, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर इनिशियली हैविंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर इनिशियली हैविंग इक्वल रेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है, दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट इक्वल है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंड टेम्परेचर ऑफ
both reaction and temperature of both reaction is increased by same amount ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाया गया, लेकिन इसमें कहानी में ट्विस्ट है। देखो बोल कह रहा है ईए ऑफ रिएक्शन आर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन आर E1 एंड E2, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी E1 E2 दिया हुआ, उसमें भी E1 इज ग्रेटर देन E2, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन जो है वो सेकंड रिएक्शन से क्या है, ज्यादा है। कैलकुलेट रेट ऑफ विच रिएक्शन will be increased by greater amount। देखो ये क्वेश्चन कराने का एक लॉजिक है मेरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। क्या कॉन्सेप्ट है देखो, समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे देखो फर्स्ट पहला रिएक्शन का लेट T1 टेम्परेचर था, सेकंड रिएक्शन का भी लेट दोनों सेम टेम्परेचर पे थे, ठीक है। लेट रेट सेम है तो रेट कांस्टेंट भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, पहला एंड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर इनिशियली हैविंग इक्वल रेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखो यहाँ पे, मैंने पूरा नहीं लिखा, पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। दोनों T1 पे था, दोनों का रेट भी क्या था, इक्वल था, ठीक है। अब दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल अमाउंट से बढ़ा रहा हूं, लेट T2 टेम्परेचर तक गया हूं, कितने तक गया हूं मैं, T2 पे क्या हो सकता है, लेट इसका K2 मान लेता हूं और इसका K2' मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, K2 मान लेता हूं और K2' मान लेता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मुझे इस बात की इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है, ठीक है। तो K2 इसको 1 लिख लेता हूं और K2 2 लिख लेता हूं, ठीक है। K2 for first, K2 for second reaction. This is not a square. This is K2 for second reaction. आई बात समझ सबको? Is that clear? और इसका activation energy E1 दिया हुआ, इसका activation energy E2 है, और E1 is greater than E2 दिया हुआ, ठीक है? कोई बात नहीं। मुझे ये पता करना है कि इनमें से कौन सा reaction का रेट ज्यादा अमाउंट से बढ़ेगा सेम टेम्परेचर बढ़ाने पे। देखो यहाँ पे इकोनॉमी में ट्विस्ट क्या है, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो लॉग K2' / K1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1/2.303 R 1/T1 - 1/T2, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। सेकेंड के लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो लॉग क्या हो जाएगा, K2 2/K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2/2.303 R 1/T1 - 1/T2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको लेट इक्वेशन वन माना फॉर फर्स्ट रिएक्शन और ये इक्वेशन टू फॉर सेकेंड रिएक्शन, क्या इतनी बात सबको समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर रहा हूँ, तो लेट लॉग K2' / K1 डिवाइडेड बाय लॉग K2 2/K1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये सारे तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेट आपको मैं करके ही दिखा देता हूँ, 2.303 R 1/T1 - 1/T2 डिवाइडेड बाय E2 / 2.303 R 1/T1 - 1/T2, दिस और दिस कैंसिल। तो एक्चुअल में आपके पास बच कितना रहा है, log of K2' / K1 divided by K2 2/K1 is equal to E1/E2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E1/E2। अब ये no doubt, अगर E1 is greater than E2 है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ratio भी क्या होगा, 1 से तो बड़ा होगा। क्या इस बात को मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, तो
तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ, इस बात को समझ पा रहे हो, अगर E1 by E2 और E1 is greater than E2 है, तो इसका मतलब ये रेशियो 1 से तो क्या होगा, मेरा बड़ा होगा। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ क्या कि log of K2 dash by K1 अगर मैं इसको हटा दूं तो will be greater than क्या होगा, log of K2 by K1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मुझे इजाजत है, मैं मान रहा था समथिंग 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू उधर जाएगी, तो ये वैल्यू इससे तो क्या होगी, बड़ी होगी, दोनों तरफ एंटी लॉग लो, K1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो K2 का जो K2 1 है वो क्या होगा, K2 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब नेट कॉन्सेप्ट हम क्या लगा सकते हैं कि जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव ज़्यादा होता है, मतलब थोड़े से टेम्परेचर बढ़ाने पर ट्रिमेंडस अमाउंट में क्या होता है, उसका रेट बढ़ता है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। और आपको अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता, आप मैथमेटिकली समझो, मैथमेटिकली कैसे, क्या मैं एलन के को इज इक्वल टू एलन ए माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है, मैंने क्या क्या डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर साथ डिफरेंशिएट किया तो डी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलन ऑफ के बराबर इज इक्वल टू, ये तो पार्ट क्या हो गया, एलन ऑफ ए तो जीरो हो जाएगा, माइनस ई ए बाय आर टी स्क्वायर, क्या ये डिफरेंशिएशन होगा मेरा इस इक्वेशन का, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, डी ऑफ एलन के इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस था ना, तो 1 बाय टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ई ए बाय आर टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये मेरा नेट इक्वेशन बनेगा। अब आप यहाँ से समझ सकते हो क्या कि डी ऑफ एलन के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैंने क्या रखा, टेम्परेचर और डी टी सेम रखा, मतलब टेम्परेचर और ये सारी कंडीशन सेम रखी, तो आप देख सकते हो रेट कॉन्स्टेंट जो हो रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इसका मतलब सेम टेम्परेचर चेंज करने पर एक्टिव रेट कॉन्स्टेंट उसका बढ़ेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, आप जिस तरीके से समझना चाहो, तो आप लिख देते हो, सो रिएक्शन हैविंग हायर वैल्यू, सो रिएक्शन हैविंग हायर वैल्यू, सो रिएक्शन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ऑफ एक्टिवेशन energy, so reaction having higher value of activation energy are said to be more sensitive of temperature change, to be more sensitive of temperature change, ठीक है, चलो बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंप्लीटली क्या होता है, खत्म होता है। तो हमने थ्योरी भी देख ली, केमिकल सब वगैरह देख लिया है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो आई होप सो ये सब चीज़ आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक। अब बात करते हैं कैटलिस्ट के इफेक्ट की, किसकी बात करेंगे हम, कैटलिस्ट के इफेक्ट की। तो लेट्स स्टार्ट, अब से जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा ना, यहाँ से ऑलमोस्ट तुम्हारा थ्योरेटिकल पोर्शन ही रहता है। तो जेई एडवांस वगैरह में भी जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए वो थ्योरेटिकल बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के, ठीक है। तो जो जो मैं पॉइंट पहले आपको समझा देता हूं फिर मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, डोंट वरी। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है।
अब आपको याद होगा मैंने कल एक कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई जनरली किसी रिएक्शन का थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज नहीं करता, इवन तो अगर आप टेम्परेचर भी चेंज कर दोगे बाकी सब चीजें चेंज हो सकती है लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये महाशय ऐसा है जो रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब होता क्या, जनरली समझो बात को, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देता है, क्या करता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, उसकी किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकता है वो बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ाता है वो, आपको याद होगा ऐसा ग्राफ जो मैंने पहाड़ी वाला ग्राफ बताया था, जो सबसे ऊपर जो एनर्जी का लेवल रहता था वो थ्रेशोल्ड है, उस पहाड़ के पॉइंट को वो क्या कर देता है, घटा देता है। बेसिकली कहने का मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी को वो घटा देगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा देगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी घट जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी तो इसका मतलब रिएक्शन अब आपका क्या होगा, फास्ट होने लगेगा। मतलब जहां तक आपको जितना चाहिए था एक्टिवेशन, उससे कम एक्टिवेशन एनर्जी में भी आपका काम चल जाएगा। कहने का मतलब जैसे सपोज करो अगर मैं बोलो आपको आईफोन लेना है, एप्पल का आईफोन लेना है, ठीक है, आईफोन लेने के लिए मान के चलता हूँ मैं 1,00,000 रुपये प्राइस है, ठीक है। अब आपके पास मान लो 70,000 रुपये, 70,000 है और एक्टिवेशन अभी आपको चाहिए कितना, 30,000 और चाहिए उस फोन को लेने के लिए, तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, 30,000 एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपके पास कम है, पैसा पड़ रहा है ना आपके, आपके पास है 70,000, आपको आईफोन लेने के लिए 1,00,000 रुपये चाहिए, तो जो डिफरेंस बच रहा 30,000 का, अगर वो 30,000 आपको मिल गया तो आप आईफोन ले सकते हो। उसी तरीके से अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और थ्रेशोल्ड एनर्जी में अगर थोड़ा डिफरेंस आ जाता और यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम चाहिए होती है वो एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, हम पहले ही देख चुके हैं। अगर मैंने क्या किया अभी इस, जब मैंने सपोज करो आईफोन में डिस्काउंट दे दिया, मान लो एप्पल वाले ने क्या किया भाई, डिस्काउंट दे दिया, अब वो 1,00,000 के बजाय आपको 85,000 में मिल जाएगा, तो अब ऑब्वियस सी बात है भाई 30,000 पैसा अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, 15,000 तो आप कैसे भी दोस्त से 2-4,000 रुपये लेके 15,000 रुपये करके आप 85,000 में फोन ले सकते हो। बस थ्रेशोल्ड एनर्जी भी डिस्काउंट का ही काम करता है, जो ये क्या करता है केमिकल के किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रेशोल्ड एनर्जी को ये क्या कर देता है, घटा देता है। आई बात समझ में, बस ये डिस्काउंट का ही काम करता है। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, कैमरा कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, आई होप सो, ठीक है। तो बेसिकली ये भी क्या करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा के आराम से केमिकल रिएक्शन को हम प्रोसीड करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ देखो अब कुछ बातें हैं, देखो पहली बात केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, दूसरी बात क्या होता है ये किसी भी रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी को कोई चेंज नहीं करता, बेसिकली ER और EP में कैटलिस्ट डालने पर कोई चेंज नहीं आता, ये बात को याद रखना। तीसरी बात क्या होती है, कोई भी कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक बिहेवियर को नहीं चेंज कर सकता, अगर वो एक्सोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक नहीं हो जाएगा कैटलिस्ट डालने के बाद, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं इट डज नॉट चेंज द थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, ये कभी भी रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं हो सकता, जितना आपने पहले लिया रिएक्शन के एंड तक कैटलिस्ट आपको उतना ही मिलने वाला है, तो ये भी याद रखना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है, नेवर कंज्यूम्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, आपको बाल्टी भर के कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है, चुटकी भर भी कैटलिस्ट डालोगे तो भी आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ कैटलिस्ट के बारे में, और हाँ ये कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, नेवर इनिशिएट द रिएक्शन, ठीक है। अब आप सोचोगे बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता तो वो गलत बात हो जाएगी, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स अब मैं लिख देता हूँ, सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट, इज नोन एज कैटलिस्ट एंड फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग, एंड फेनोमेनन ऑफ changing and phenomenon of changing rate of reaction, rate of reaction by the use of catalyst, by the use of catalyst, by the use of catalyst is known as
इज नोन एज कैटालिसिस, इज नोन एज कैटालिसिस. क्या बोलते हैं हम इसको? कैटालिसिस बोलते हैं. ठीक है, अब याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाता, नहीं, कुछ कुछ कैटालिस्ट ऐसे भी होते हैं जिनको जो क्या करते हैं केमिकल रेट रिएक्शन को क्या करते हैं स्लो कर देते हैं, उनका रेट को घटा देते हैं बहुत ज़्यादा. जैसे जो कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता है उस कैटलिस्ट को हम प्रोमोटर्स कहते हैं, और जो कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को घटाता है उसको हम पॉइजन्स बोलते हैं. जनरली न्यूक्लियर फीजन, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, हाईली स्पीड रिएक्शन होता है. और क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होने के कारण न्यूक्लियर बम ब्लास्ट भी हो सकता है. मतलब जो आप देखते हो ना पावर प्लांट में ब्लास्ट हो गया या आग लग गई है, दैट्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल होता है. न्यूक्लियर फीजन और फ्यूजन क्या इज वेरी अनकंट्रोलेबल, तो उनको कंट्रोल में लाने के लिए उस रिएक्शन का रेट को स्लो करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पॉइजन डालते हैं, पॉइजन यूज करते हैं. अब डिपेंड करता है पॉइजन क्या है, बहुत सारे हैं. ठीक है, एग्जांपल तो मुझे नहीं आता रहा, बट आप एक बार चेक कर लेना. ठीक है, तो वो क्या करते हैं रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में घटा सकता है, और वो उसके वजह से हम क्या करते हैं जो हमें सफिशियंट एनर्जी चाहिए हम उसको निकाल के फिर से रेट ऑफ द रिएक्शन को, फिर से रिएक्शन को हम चालू कर देते हैं, पॉइजन डालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, रिएक्शन होते रहता है इनफिनाइट टाइम तक, ये भी होते रहता है. ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को. ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन व्हाइल नेगेटिव डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सेकेंड थिंग है इसका एग्जाम्पल क्या, अगर मैं बात करूँ, सपोज करो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल मान लो KClO3 है. ठीक है, इसको सिंपल हिट करोगे, ठीक है, सिंपल हिट करने पर आपको क्या मिलेगा, KCl प्लस O2 गैस. ठीक है, लेकिन अगर इसी रिएक्शन में KClO3 में मैंने क्या क्या हीट किया, लेकिन MnO2 मैंने एज अ कैटलिस्ट यूज किया, तो प्रोडक्ट अभी भी वही बनेगा. मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बस ये कलर अलग हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जो मुझे मिलेगा वो ब्लू कलर का मिलेगा. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दो, अगर जैसे ट्वाइस ऑफ KMnO4 प्लस 5H2C2O4, ये एग्जाम्पल आपने देखा हुआ है, प्लस H2SO4 टेंस टू गिव K2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O. तो ये जो MnSO4 बनता है ये किसके जैसे एक्ट करता है, ऑटो कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करता है. किसके जैसे, ऑटो कैटलिस्ट के जैसे. कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी रिएक्शन में आपको बाहर से कोई चीज डालना पड़े, बाहर से कैटलिस्ट यूज करना पड़े, तभी आप उसको यूज करते. कभी कभी क्या हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट होता है ये क्या करेगा, ये जैसे MnSO4 बनेगा इसकी रिएक्शन को क्या कर देता है, ये फास्ट कर देता है. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट भी एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, बट वो बहुत कम रिएक्शन में होता है. अगर जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट एज अ कैटलिस्ट यूज होने लग जाए या काम करने लग जाए उसको हम ऑटो कैटलिस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है कैटलिस्ट के बारे में जो मैंने आपको बोला वही मैं लिख रहा हूँ. पहला पॉइंट, कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, कभी भी खत्म नहीं होंगे. ठीक है, कैटलिस्ट नेवर इनिशिएट रिएक्शन, कैटलिस्ट रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं करते. कैटलिस्ट डज नॉट चेंजिंग, कैटलिस्ट डज नॉट चेंजेस, कैटलिस्ट डज नॉट चेंजेस एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब EREP में कोई भी चेंज नहीं करता है. ठीक है, कैटलिस्ट आल्सो डज नॉट चेंजेस थर्मो डायनामिक बिहेवियर ऑफ केमिकल रिएक्शन
समझ में, कैटलिस्ट थर्मोडायनेमिक बिहेव, केमिकल रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक बिहेवियर को भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। कैटलिस्ट रिक्वायर्स इन, कैटलिस्ट रिक्वायर्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में भी क्या हो जाता है, मेरा काम चल जाता है, ठीक है। अभी काम कैसे करता है ये भी लिख देता हूँ, एक अल्टरनेटिव पाथ दे देता है ये। जैसे पहले आप इस तरीके से जा रहे, अब आप थोड़ा नीचे से होके जाओगे, बस फर्क इतना है, एक अलग सा अप्रोच या अलग सा पाथ दे देता है कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को, ताकि वो जल्दी से हो सके, ठीक है। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ टू द रिएक्शन, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ टू द रिएक्शन, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ टू द रिएक्शन इन विच थ्रेशोल्ड एनर्जी विल चेंज, इन विच थ्रेशोल्ड एनर्जी विल चेंज, इन विच थ्रेशोल्ड एनर्जी विल चेंज ड्यू टू विच ये आल्सो, ड्यू टू विच ये आल्सो चेंजेस, चेंजेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो चेंजेस, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, जिस वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन भी चेंज हो सकता है। तो इसको मैंने दो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ मैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये वाला आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ा था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या था, एनर्जी था, ठीक है। मान लो ये मैंने क्या बोला, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। तो इनिशियली आपका ये एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज़्यादा गैप था, अगर आपने एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया, मतलब या, और यहाँ वाले क्या थे, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थे जो एनर्जी बैरियर क्या कर चुके थे, क्रॉस कर चुके थे, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट में आ चुके थे। वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच चुके हैं या अबाउट टू कन्वर्जन है या अबाउट टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन अब सर कैटलिस्ट यूज़ करो तो कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को चेंज कर देता, घटा देता वो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका मैं बोल सकता हूँ ET dash is less than ET और EA is greater than EA dash। आप बोल सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी घटी, इस वजह से सिर्फ मुझे अब इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब आप देखो अब इतने से, अब इतने सारे मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएंगे जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। दैट इज वाई इससे पहले सिर्फ इतने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बैरियर को क्रॉस कर रहे थे, अब इतने और बढ़ गए जो इनको क्रॉस करे। भाई ऐसे भी तो मॉलिक्यूल होंगे जो इस रीजन में होंगे, ठीक है। पहले मान लो पहले ये वाला मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी था और कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मेरे इस जगह पे थे मान लो, ठीक है। लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट जा रहा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी घटे, तो इतना मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा और ऐड हो जाएगा मेरा, इतने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो क्या हुआ, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ गया। इसका मतलब सिर्फ आपको इतनी ही एक्टिवेशन और एनर्जी प्रोवाइड करनी है सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, ये एक तरीके के क्या बोलता हूँ, जैसे एप्पल आईफोन में डिस्काउंट मिल जाता है, इस तरीके से क्या करता है, ये डिस्काउंट का काम करता है। क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिस वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, मेरा फास्ट हो जाता है। आई बात समझ में। इसको एक और ग्राफ से आप समझो, ये भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है। यारहेनियस इक्वेशन का पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ था, एक ग्राफ ऐसा था, एपी, ठीक है। ये जो ग्राफ है मेरा, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, ये जो रिएक्शन का जो मैंने डाला है विदाउट कैटलिस्ट डाला। अब सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने एक नेगेटिव कैटलिस्ट लिया। क्या लिया मैंने, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट अभी भी क्या कर रहा है, अभी भी ER EP में कोई चेंज नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, दिस इज नेगेटिव कैटलिस्ट, क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। और दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट। और ये जो कैटलिस्ट होगा, ये जो होगा, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ईए डैश,
ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, अगर मैंने एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया तो वो क्या करेगा, वो देखो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी घटा दिया। अगर इनिशियली ईटी ये था, नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और ये मेरा क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा देता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी घटेगा, इस वजह से क्या होगा, मेरा एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप देख रहे हो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक अल्टरनेटिव पाथ देता है ताकि मेरा रिएक्शन क्या हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी घटा है तो एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, तो इस वजह से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे। अगर मैं बोलूँ आपको ये पहाड़ चढ़ना है और एक ये पहाड़ चढ़ना और ये पहाड़ चढ़ना, ऑब्वियस वजह आप छोटे पहाड़ को आप इजीली चढ़ सकते हो, बड़े पहाड़ में तो बहुत टाइम लगेगा, पहले देख के आप हिम्मत हार जाओगे। तो जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी, आप जैसे पहाड़ की हाइट बढ़ती है तो रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। या बोल सकते हो आप एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी रिएक्शन मेरा उतना ही स्लो होगा। आई बात समझ में, क्योंकि इस यहाँ से यहाँ जाने में थोड़े रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टाइम लग सकता है। तो आप आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख, इधर लिखता हूँ मैं, चलो रब कर ही देता हूँ मैं इसको। ठीक है, जैसे अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी का कंपैरिजन करूं तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ईए डैश होगा, उसके बाद कम कौन होगा, ईए, और सबसे छोटा कौन होगा, ईए डबल डैश। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में घटाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी कंपैरिजन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा ईटी डैश होगा, उसके बाद ईटी होगा, सबसे कम किसका होगा, ईटी डबल डैश का होगा। आई होप से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब रेट पे चेंज आ रहा है, देखो कैटलिस्ट बड़ा, कैटलिस्ट डालने से, अभी मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करता हूँ, नेगेटिव कैटलिस्ट हम तो जनरली यूज़ नहीं करते, ठीक है। मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे कैटलिस्ट डालने पर रेट में चेंज आ रहा है, तो रेट में चेंज आ रहा है इसका मतलब रेट कॉन्स्टेंट में भी चेंज आएगा। तो अब ये हम देखेंगे कि आखिर के कैटलिस्ट डालने पर रेट कॉन्स्टेंट में क्या चेंज आता है, क्योंकि के दो ही चीज़ों से चेंज होता है, तीन चीज़ों से आप बेसिकली बोल सकते हैं। पहला स्टाइचोमेट्री, जो हम पहले पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर का तो वरदान है भैया, कोई भी पूरे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी के होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है। दूसरा चेंज किससे होता है, कैटलिस्ट से भी होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट से कैसे होता है वो अब हम देखें। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट आप बोल सकते हो, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर से जरूर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट से चेंज होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा लेकिन रेट कांस्टेंट जरूर चेंज होगा, ठीक है। तो दो बातें फर्क है यहाँ पे, ठीक है। वेरिएशन ऑफ के ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने पर के का वेरिएशन क्या होगा, ठीक है। लेफ्ट, मुझे तो फॉर्मूला पता है, के ई डॉट माइनस ई ए बाय आर टी। हालांकि ये फॉर्मूला ही है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं विदाउट कैटलिस्ट मेरा के ही रहेगा, ए ही रहेगा और माइनस ई ए बाय आर टी, ये विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं विथ पॉजिटिव कैटलिस्ट, किसके बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो रेट कांस्टेंट में चेंजेस आएंगे, ओके। पहले तो मैं इसका एक्टिवेशन एनर्जी ई ए डैश हो जाएगा, के डैश हो जाएगा। ई ए डैश याद रखना, ई ए से क्या होगा, छोटा होगा, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। तो के डैश बराबर क्या होगा, ए डॉट माइनस ई ए डैश बाय आर टी। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया, तो इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, मैं क्या कर रहा हूँ, टू को डिवाइड कर रहा हूँ वन से, टू डिवाइडेड बाय वन। तो के डैश बाय के इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट माइनस ई ए डैश बाय आर टी डिवाइडेड बाय ए डॉट माइनस ई ए बाय आर टी। ए और ए क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका ले रहा हूँ ई का पावर
माइनस वन बाय आर टी कॉमन लिया मैंने, तो क्या होगा ई ए माइनस ई ए डैश, ई ए माइनस ई ए डैश, ठीक है। ओके, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाले में नेगेटिव कॉमन ले ले रहा हूँ मैं, है ना, तो ये ई ए माइनस ई ए डैश हो जाएगा, बराबर, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ एलन, एलन के डैश बाय के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज अच्छा एक मिनट, वन बाय आर टी रहता था तो माइनस ई ए डैश, ई ए डैश रहता था और ये होता था प्लस ई ए। अब मैं इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँगा, तो माइनस कॉमन ले लूँगा यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस और प्लस, एक मिनट जस्ट फॉर अ मिनट, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर, हाँ ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इन इस और ये माइनस रहेगा, अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस वन बाय आर टी, ठीक है, माइनस वन बाय आर टी, तो ई ए डैश माइनस ई ए ये आ जाएगा, माइनस वन बाय आर टी ई ए डैश बाय ई ए, ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एल एन के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय आर टी, या माइनस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस मल्टीप्लाई करके ई ए डैश रिवर्स कर दो माइनस मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फार्मूला है। लॉग ऑफ इसको मैं के डैश बाई के लॉग के फॉर्मेट रखूँ तो वन बाय ई ए माइनस ई ए डैश बाय 2.303 आर टी, आई बात समझ में। तो ये मेरा क्या है फॉर्मूला है, जब आपको रेट कॉन्स्टेंट निकालने बोले विथ अगर एक रिएक्शन, ये फॉर्मूला तब वैलिड करोगे जब रेट कॉन्स्टेंट निकालना हो अलग, एक विदाउट कैटलिस्ट और एक कैटलिस्ट, वहाँ पे एक ऐसा ही फॉर्मूला जो मैंने दिया था वो टेम्परेचर वेरिएशन का था। ये कैसा वेरिएशन है, ये है आपका कैटलिस्ट का वेरिएशन है, कैटलिस्ट के वेरिएशन से क्या होता है, ठीक है। तो दिस वाज योर ओवरऑल, व्हाट ओवरऑल आपका है यहाँ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो समय के कमी के कारण मैं इस पर कोई क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ, हालांकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं इनके ऊपर, तो आपको जो भी शीट है उसमें आपको मिल जाएगी। फिलहाल मैं डायरेक्ट बढ़ रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पे। जो भी आप ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म करते हो ना बेटा, वो पहले डिसाइड होता है केमिकल काइनेटिक्स से, बाद में वो डिसाइड करते कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, सब ये सब बात की बात है। लेकिन अधिकतर ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है वो केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल वाले इनको तैयार करके देते हैं ऑर्गेनिक वालों को, ठीक है। होता कैसा समझो बात को, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब हम रिएक्शन को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म। देखो, अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप या एक ही स्टेप में हो जा रहा है तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले देते हुए। और अगर कोई रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पे। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मतलब रिएक्शन के मैकेनिज्म पे बेस हम रिएक्शन को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। पहला है मेरा
सिंपल रिएक्शन, क्या बोलते हैं हम इनको, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन या क्या बोल सकते हैं आप इनको, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। दूसरा मेरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं हम इसको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है मेरा सिंपल रिएक्शन, ठीक है, सिंपल रिएक्शन, ठीक है। सिंपल रिएक्शन क्या होता है भैया, एक ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मैं समझाने के चाहता हूं, ठीक है। ऐसा रिएक्शन एक तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरा ये होता है कि मान लो रिएक्शन में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होते, याद रखना, कभी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आप समझो बात को, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है कि पहले स्टेप में बने दूसरे स्टेप तक क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब ये ऑलरेडी सिंगल स्टेप में, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहां से बनेगा, कभी भी नहीं बन सकता। तो याद रखना इन चीजों को, ठीक है। तो रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन अ, रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप आर नोन एज सिंपल रिएक्शन, आर नोन एज सिंपल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिएक्शन इंटरमीडिएट, एनी रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये रिएक्शन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जैसे ER, ठीक है। तो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज नॉट इंटरमीडिएट। बहुत सारे बच्चों के मन में हो रहा होगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट में ही इंटरमीडिएट बनता, नहीं, ये गलत है बेटा। ये यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज नॉट द इंटरमीडिएट। तो इस बात को याद रखिएगा, ट्रांजिशन स्टेट अलग है और रिएक्शन, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होता, याद रखना। यहाँ पे जो बनता है वो इंटरमीडिएट कभी भी नहीं होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये जो मिथ है दिमाग में वो हटा दीजिए, ये ट्रांजिशन स्टेट अलग होता है, इंटरमीडिएट अलग होता है, ठीक है। ये हर स्टेप में बनता है, अगर रिएक्शन मान लो, ये तो चलो सिंगल स्टेप, अगर चार स्टेप का रिएक्शन है तो चारों स्टेप के अपने अपने ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट अलग अलग होता है, ठीक है। क्या होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट पहले स्टेप में बनता है, दूसरे स्टेप तक खत्म हो जाता है, या दूसरे स्टेप में बनेगा, तीसरे चौथे स्टेप तक क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। बट ये सिंगल स्टेप में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब याद रखना, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, देखो एक जो कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। बहुत सारे बच्चों ने पहले से मेरे से डाउट पूछा कि सर व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो मैं वही बोला था कि आपको मैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पढ़ाता हूँ। देखो किसी भी एलिमेंट्री पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। किसके लिए डिफाइन होता है, एलिमेंट्री। इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, वो हमेशा क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और याद रखना किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। अगर मान लो ए प्लस बी टेंस टू गिव सी, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन है, तो आर बराबर क्या होगा, के ऑफ ए का पावर वन और बी का पावर वन, मतलब ऑर्डर टू हुआ, ऑर्डर क्या हुआ, टू। और अगर मैं इसी की बात करूं भैया, इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, ए है और बी है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन में ये बोला गया कि दिस इज अ सिंपल रिएक्शन या दिस इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, तो 110% उसका ऑर्डर और उसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, सेम होता है। अब सेम होता है इसका ये मतलब नहीं कि दोनों एक जैसे होते हैं। देखो ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी क्या, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो इन चीजों को याद रखना, यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा कि ये थोड़ा मेजर डिफरेंस होता है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्टाइचोमेट्री चेंज करने पे मॉलिक्यूलरिटी चेंज हो सकता है, बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने से या कंडीशन चेंज करने से ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट किसी का मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं,
मोलिकुलरिटी मतलब जो मोलिकुलरिटी फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, दैट नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच कोलाइड्स विद द सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड मेक ट्रांजिशन स्टेट या मेक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मतलब जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे या एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं मोलिकुलरिटी। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। आप मीनिंग तो वही है बेसिकली, जब रिएक्शन पार्टिसिपेट तभी कर सकता है जब ट्रांजिशन स्टेट तक जाएगा, है ना। चलो मैं लिख देता हूँ उनके डेफिनेशन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। वी कैन डिफाइन For elementary reaction, we can define molecularity of reaction, and it is equal to number of molecule which makes transition state or activated complex, which makes transition state or activated complex because of collision in proper orientation with sufficient energy and on the basis of molecularity sufficient energy। समझ में आया? मतलब molecularity क्या होता है? The number of reactant molecule which makes transition state or activated complex, या आप ऐसा बता number of reactant molecule which participating in the chemical reaction is nothing but molecularity of the reaction। और according to the molecularity of the reaction हम reaction को फिर से classify करते हैं। अगर एक reactant molecule होगा तो unimolecular reaction, दो reactant molecule होगा तो bimolecular, तीन reactant molecule होगा तो trimolecular। ठीक है, trimolecular से ज़्यादा reactant हमारा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ये मैं आगे समझा रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन आर क्लासिफाइड एज पहला है यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर में क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, n इक्वल टू 1, मतलब रिएक्शन किस टाइप का होगा, a टेंड्स टू b होगा। ठीक है, अब इनका जो मैकेनिज्म होता है वो लिंडेमान थ्योरी से हम एक्सप्लेन करते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, जब हायर स्टडीज में जाओगे तब आप पढ़ोगे। ठीक है, सेकंड होता है मोस्ट ऑफ द हमारे जो सिलेबस में वो बायमोलिकुलर है। क्या है? बायमोलिकुलर। यहां पे मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है? 2, मतलब a प्लस बी टेंस टू गिव सी। ठीक है, आई बात समझ में? तीसरा होता है वो होता है ट्राईमोलिक्यूलर। क्या होता है? ट्राईमोलिक्यूलर में मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 3, मतलब a प्लस बी प्लस सी टेंस टू गिव डी। तो तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वाले को हम मॉलिक्युलरिटी 3 बोलेंगे, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वाले को दो मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। ठीक है, जो मेजर डिफरेंस आता है ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी में ये है, मॉलिक्युलरिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, that is it cannot be zero, negative or fraction।
ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी की खास क्या है, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 कभी भी नहीं हो सकती है। में रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 आर वेरी रेयर, ठीक है, आर वेरी रेयर। कैसे समझो, जरा सपोज करो, एक ही 3 बॉक्स से समझाता हूं मैं। अगर मान लो मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 क्यों पॉसिबल नहीं होता, जैसे मैंने अगर कार टकराई, आदमी मरा तो मेरा प्रोडक्ट बना, बराबर। कल के जैसा जो मैंने क्या एग्जांपल है, भाई प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ प्रॉपर एनर्जी के साथ टकराएंगे और अगर आदमी मर गया मेरा हेड ऑन कॉलिजन पे, आदमी तो 100% मरेगा, ड्राइवर जो भी होगा, दो गाड़ियों में टकराई हेड ऑन कॉलिजन हुआ तो 100% दोनों के ड्राइवर के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी तरह हेड ऑन कॉलिजन, देखो बाई मॉलिक्यूलरिटी में हेड ऑन कॉलिजन होगा 100%, अगर सफिशियंट एनर्जी के साथ टकरा रहे हो हेड ऑन कॉलिजन तो 100% प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर ट्राई मॉलिक्यूलर में क्या होगा, इसमें भी रेयरली प्रोडक्ट बना तो बना बट प्रोडक्ट बनता नहीं, क्यों, 3 गाड़ी अगर इस तरीके से टकरा रही है तो ज्यादा से ज्यादा क्या, उनके हेडलाइट या मडगार्ड वगैरह टूटे गए, आगे का थोड़ा डैमेज होगा बट ड्राइवर तो एज इट इज बच जाएंगे। लेकिन 4 गाड़ी है और चारों सेम बहुत स्पीड से टकरा रही है तो भी कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा वो टकराने के बाद स्किड कर जाएंगे बट ड्राइवर मरेगा नहीं। दैट इज वाई, इसलिए किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 होगी तो कभी प्रोडक्ट में नहीं बन सकता, ठीक है। अब आपके मन में ये कहीं ना कहीं सवाल होगा, सर N2+3H2 इज टेंस टू गेट ट्वाइस ऑफ NH3, यहाँ तो 4 मॉलिक्यूलरिटी है। तो अगर याद रखना, मैं ये बात कर रहा हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एलिमेंट्री। अगर मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 है, 3 है या 3 से ज़्यादा बड़ा है तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा, तब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, तब मतलब वो एक से ज़्यादा स्टेप में बनेगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बन सकता। मैं ये रिएक्शन, मैं क्या बोला, रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वो पॉसिबल नहीं है। अगर मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 है तो एक स्टेप में नहीं होगा, वो इट्स मोर देन 1 स्टेप में होगा, तब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसके सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, इसके वेरी कम और ये वेरी रेयर होता है ये रिएक्शन, जनरली होता भी नहीं है रिएक्शन। आई बात समझ सबको, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इसी में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या एक और पॉइंट है, सिंस सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप so that rate will be determined, so that it will be rate determined step. So order of reaction will be equal to molecularity of reaction। तो याद रखना बेटा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में होता है और वही सिंगल स्टेप इसका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो दैट विल बी रेट डिटरमाइनिंग। सिंस सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप सो दैट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, मतलब जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन तो वो इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। जैसे सपोज करो H2+I2 tends to give twice of HI। अगर ये रिएक्शन सिंपल है
तो इसका मॉलिक्यूलरिटी तो कितना हो जाएगा, 2H2 और I2 दो ही मॉलिक्यूलरिटी है, तो इसका रेट कितना हो जाएगा, KH2 का पावर 1 I2 का पावर 1। आई बात समझ में? तो देखो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन की क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली देख रहे हो ये यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल ही पोर्शन है, ये इसमें न्यूमेरिकल वगैरह कभी नहीं आता आपको, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपको सारे पॉइंट्स ये दिमाग में है तो ये तो डैम श्योर मान के चलो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेकेंड टाइप का रिएक्शन है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। कॉम्प्लेक्स जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, सिंगल स्टेप में होता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, ठीक है। अब एक से ज़्यादा स्टेप में मान लो सपोज करो तीन स्टेप में होता है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर तीन स्टेप में हो रहा है तो हर स्टेप उसका एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। हर स्टेप का जो रिएक्शन होगा वो क्या होता है, एलिमेंट्री ऑफ द रिएक्शन होता है। तो ऑब्वियस बात है हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग होगी, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डिफाइन करना नामुमकिन होता है। लेकिन ये होता है हर क्योंकि मान लो चार स्टेप में हो रहा है तो चारों स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी अलग है, तो चारों स्टेप का रेट भी क्या होगा, अलग अलग होता है। क्या पता फर्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, सेकंड स्टेप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, थर्ड स्टेप स्लो हो जाए, चौथा स्टेप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए। तो हमें मतलब कैसे होता है, अब यहाँ पे ऑर्डर कैसे डिफाइन करोगे, मॉलिक्यूलरिटी कैसे डिफाइन करोगे, तो याद रखना किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कैसे, मान लो अगर कोई गाड़ी है बिल्कुल ऐसे चले गए तो आपको पता चलेगा क्या गाड़ी का कलर क्या है क्या नहीं, और कोई गाड़ी है बिल्कुल ऐसे धीरे 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 तो आप हाँ भाई इसका ब्रांड ये है, गाड़ी का ब्रांड ये है, इस कलर का, तो आप बता भी सकते हो। तो उसी तरीके से होता है अगर कोई स्टेप बहुत ज़्यादा स्लो स्टेप होता है उसी का ऑर्डर और उसी की मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होती है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये होता है। दूसरी बात क्या होती है, हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट जरूर बनता ही बनता है, विदाउट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का तो मजा ही खराब है, मतलब बिना इंटरमीडिएट के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाना नामुमकिन है। आई बात, जैसे खिचड़ी के बिना दाल, दाल के बिना खिचड़ी कैसे बना सकते, चावल है सब्जी है लेकिन दाल तो चाहिए चाहिए ना। उसी तरीके से याद रखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी बिना इंटरमीडिएट के आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन, रिएक्शन विच इज completed in more than one step, more than one step is known as complex reaction, is known as complex reaction, ठीक है। और क्या होता है complex involve, complex reaction involve, complex reaction involve intermediates complex reaction involves intermediate detailed step by step detailed step by step description of any chemical reaction description of any केमिकल रिएक्शन डिटेल स्टेप बाय स्टेप और डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। समझ में, हर स्टेप का बारीकी से स्टेप बाय स्टेप को एक्सप्लेन करना, भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनी है ये तो एलिमेंट्री में होता है,
लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने की पूरी कहानी कि भाई पहले स्टेप में ऐसा हुआ होगा, दूसरे स्टेप में ऐसा होगा, तीसरे स्टेप में ऐसा होगा और फाइनली चौथे स्टेप में जाकर मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। और इसी डिटेल स्टेप बाय स्टेप किसी केमिकल रिएक्शन का जो अगर बोला जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डिफरेंट स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैव डिफरेंट रेट, हैव डिफरेंट रेट, हैव डिफरेंट रेट एंड स्लोएस्ट स्टेप, एंड स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज RDS। स्लोएस्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। हर स्टेप का अपना अपना स्पीड होगा और जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने दिया आपको, जैसे मान लो मैं एनर्जी कोऑर्डिनेट वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ, तो एक ग्राफ ऐसा बना मेरा, ठीक है, और फिर यहाँ से ठीक है मान लो, ठीक है ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो मैंने क्या बोला, हर पहाड़ी का जो पीक होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। ये TS1 हो जाएगा, ये TS2 हो जाएगा और ये TS3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में हमेशा एक इंटरमीडिएट बनता बेटा, तो ये मान लो सी हो गया और ये मान लो हो गया डी। अगर मैं बोलूँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर हाईली अनस्टेबल, दे फॉर्म After reaction, they formed after reaction started, after reaction started and destroyed before the reaction, and destroyed before reaction gets completed. Gets completed, so they cannot appear. In rate law expression. आई बात समझ बेटा, ये आपको मैंने पहले पॉइंट बताया, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, पहले स्टेप में बनेगा और रिएक्शन खत्म होने से पहले वो क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। जैसे COD मेरा है, ठीक है, सपोज करो इसका मुझे मैकेनिज्म लिखना है इस ग्राफ को देख के, तो पहले स्टेप में कहां से कहां होगा, ए से मेरा गया सी, दूसरे स्टेप में क्या होगा, सी से गया मेरा डी, और तीसरे स्टेप में क्या हुआ, डी से गया मेरा बी। आई बात समझ में, ठीक है, ओवरऑल मेरा मैकेनिज्म क्या बन रहा, प्रोडक्ट बन रहा ए से बी, जब आप स्क्वायर करो सी सी कैंसिल, डी डी कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में, ये मेरा हो गया स्टेप वन, ये हो गया मेरा स्टेप टू और ये हो गया मेरा स्टेप थ्री। आई बात समझ में, ये समझ में आ रहा है, हो सकता है ये फास्टेस्ट स्टेप हो जाए और ये हो सकता है ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप हो जाए। क्या हो जाएगा, ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप, और स्लोवेस्ट स्टेप ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में हमेशा एक इंटरमीडिएट बनता है, तो इसलिए क्या होता है, एलिमेंट्री में क्या होता है, सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसलिए वहां पे कभी इंटरमीडिएट बन नहीं सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, हर स्टेप क्या है, एलिमेंट्री स्टेप माना जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप क्या माना जाता है, एलिमेंट्री स्टेप माना जाता है। ठीक है, ये लिख देता हूँ, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हर स्टेप एलिमेंट्री स्टेप है, हर रिएक्शन
मॉलिक्युलरिटी होगा, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको अलग अलग सेपरेटली सबका मॉलिक्युलरिटी क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड और इज नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आप ओवरऑल ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, बट किसी के मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करना, नाम किसका आप मॉलिक्युलरिटी लोगे, ना आप स्लोवेस्ट का इंक्लूड कर सकते हो ना आप फास्टेस्ट का, तो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करना नामुमकिन होता है। ऑर्डर भले आप डिफाइन कर सकते हो, नॉट डिफाइंड, वी कैन डिफाइन मॉलिक्युलरिटी, वी कैन डिफाइन molecularity, we can define molecularity of each step separately, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, हाँ मैंने क्या बोला, मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं किया जाता बट ओवरऑल ऑर्डर जरूर डिफाइन किया जाता है। जो भी RDS का जो ऑर्डर होगा, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसका जो ऑर्डर होगा वही ओवरऑल ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का माना जाता है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ RDS, जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल तुम्हारा शायद लास्ट लेक्चर रहेगा इस टॉपिक का, ठीक है, तो बाकी की चीज़ें कल करेंगे। और कल हम देखेंगे मैकेनिज्म पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं JEE एडवांस वगैरह में, जो आज तक पूछे गए वो कल हम देखेंगे। और मंडे या ट्यूसडे को जो भी आपका लेक्चर होगा वो एक दिन हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।